नमस्ते दोस्तों, देसी फ्लेवर्स बाय आरुषि में आपका स्वागत है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना सारा बिस्किट लेके क्या कर रही हूँ। आज मैं इन ओरियो बिस्किट से केक बना के दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि केक कैसे बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ओरियो बिस्किट से केक कैसे बनाती हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस बिस्किट के अंदर का ये जो क्रीम है इसको निकाल निकाल के इकट्ठा रख लेंगे। ये देखिए, इस तरह से सभी बिस्किट के क्रीम को हम निकाल लेते हैं। इस क्रीम का यूज़ मैं करूँगी, जो वीडियो आप देखते रहिए पता चलेगा कि इसका यूज़ मैं कब करूँगी। ये देखिए, मैंने बिस्किट की क्रीम को निकाल लिया है। इसको अब साइड करके मैं इन बिस्किट को पीस के पाउडर बना लूँगी। इनको पीस के पहले पाउडर बना लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसका पीस के पाउडर बना लिया है। अब इन्हें मैं एक जगह रख देती हूँ। बाकी बिस्किट को भी इसी तरह पीस पीस के मैं पाउडर बना लेती हूँ। सभी को मैंने पीस के रख लिया है। अब मैं क्या करूँगी, एक कटोरा लूँगी, उसके अंदर बटर को डाल के मैं मेल्ट करूँगी। ये देखिए, बटर के जो ऊपर का ये कागज़ है इसको फेंकना नहीं है। इसका यूज आप केक के बेस में कर सकते हैं। जब हम केक बेक करेंगे तो जिस बर्तन में बेक करेंगे उस बर्तन के नीचे बेस में ये रख सकते हैं। इसी कारण से इसे फेंकना नहीं है, इसको यूज़ के लिए रख देना है। मैंने बटर को मेल्ट कर दिया है, अब इसे एक बर्तन में डालूंगी। अब इसके अंदर मैं डालूंगी शुगर पाउडर। ये शुगर पाउडर मैंने चीनी को पीस के शुगर पाउडर बनाया है। इसमें मैं 2 से 3 चम्मच शुगर पाउडर डालूंगी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। अब इसमें थोड़ा सा मैं दूध डालूंगी। ये देखिए, बहुत ज्यादा नहीं, पहले थोड़ी सी डालूंगी। अब मैं इन्हें अच्छे से मिक्स करूंगी। अब मैं इस डैशर का यूज करूंगी, इससे अच्छे से मिक्स होगा। ये देखिए, शुगर पाउडर, दूध और बटर अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं इनमें जो मैंने क्रश करके बिस्किट रखा था उसको डाल दूंगी। सभी को डाल के हमें मिक्स करना है। जरूरत पड़ने पे और थोड़ी सी दूध डाल के मिक्स करूंगी। ये देखिए, इसको बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा थिक ही रखना है। ये देखिए, इस तरह की बैटर तैयार करनी है। ये हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालूंगी। क्वांटिटी देख लीजिए, छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और उसी चम्मच से थोड़ा सा बेकिंग सोडा। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूंगी बैटर के साथ। मैं इस बर्तन के अंदर केक को बेक करूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप इसके बेस में बटर पेपर यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले थोड़ा सा बटर कट करके बर्तन में लेती हूँ। अब मैं इस बटर को मेल्ट करके इसके चारों तरफ लगा दूंगी। ये देखिए, मैंने बटर को मेल्ट कर लिया है। अब इसको चम्मच के सहारे चारों तरफ मैं लगा लेती हूँ।
अब इसके अंदर थोड़ी सी मैदा डाल दूंगी। अब मैदा को ऐसे चारों तरफ से मिला के एक लेयर बैठा लूंगी। देखिए ये देखिए, अब बाकी जो एक्स्ट्रा जो मैदा है इन्हें मैं निकाल लूँ। अब मैं इसके अंदर केक का जो बैटर तैयार किया था उसको डाल दूंगी। ये देखिए मैंने बैटर डाल दिया है। अब इसको ऐसे ऐसे करके इसके अंदर जो एयर बबल रहते हैं उनको निकाल लूंगी। बेक करने के लिए हमें चौड़े मुंह वाला एक कुकर चाहिए। कुकर के अंदर आप इस तरह का स्टैंड बैठा सकते हैं। अगर स्टैंड नहीं है तो इस तरह का प्लेट या कटोरी लेके आप इसके बेस में इसको रख दें। देखिए मैंने बेस में रख दिया है। अब इस केक के बैटर को इसके ऊपर रख दूंगी। ये देखिए, अब कुकर का ढक्कन बंद कर दूंगी। याद रखेंगे कुकर के सीटी नहीं लगाना है। अब हल्के आंच पे इसको 40 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। 40 मिनट्स हो गए हैं। अब हम एक बार केक को खोल के देख लेते हैं। ये देखिए केक बन चुकी है। इसको चेक कैसे करना है बता दूं। एक चम्मच के सहारे हम इसके अंदर खोल करके देखें, ये पूरी क्लीन निकली। इसका मतलब केक अच्छे से पक चुका है। अगर नहीं पका होता तो इसमें केक का बैटर थोड़ा थोड़ा लगा रहता है। चलिए चलिए गैस को बंद करके अब मैं केक को उतार के ठंडा कर देती हूँ, छोड़ देती हूँ। चलिए केक को खोल के देख लेते हैं। ये देखिए, अब इसे निकाल लेते हैं। मैंने ठंडा करने के लिए छोड़ दिया था, ये ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसे हाथ से पकड़ के निकाल लूँगी। अब एक चाकू के सहारे इसको साइड साइड से हम ऐसे एक बार कट लगाएंगे। अब एक प्लेट इसके ऊपर रख के केक को उलट दूंगी। ये देखिए केक कितनी फ्लफी बनी है, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए, अब एक चाकू के सहारे इसको कट करना है। देखिएगा, हल्का सा दबा के इसको मैं कट कर लूंगी। अब इसके लेयर को, एक लेयर को मैं उठा लूंगी। ये देखिए, दो लेयर में मैंने बनाया। अब इसको डेकोरेट करने के लिए मैं क्रीम का यूज करूंगी। इस तरह की फेस क्रीम आपको मार्केट में मिल जाएगी, इसी से इसको चारों तरफ अच्छे से लगा लेंगे। क्रीम लगाने के बाद अब दूसरे पार्ट को इसके ऊपर रख दूंगी। अब मैंने जो ओरियो बिस्किट का जो क्रीम रखा था साइड से, उसे इसके ऊपर लगा के डेकोरेट कर लूंगी। आप चाहे तो इसके ऊपर चॉकलेट के छोटे छोटे स्प्रिंकल्स भी डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर चेरी के टुकड़ों को रख देती हूँ। ये देखिए, रेडी हो गई हमारी ये ओरियो बिस्किट से बनी केक। चलिए केक कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए कितनी स्पंजी बनी है।
चलिए टेस्ट करके देखते हैं।